की नजर में 2017 में कौन है हीरो नंबर वन? भोजपुरी इंडस्ट्री में ये साल बहुत ही अच्छा रहा। इस साल भोजपुरी में कई बड़ी हिट फिल्में आईं और ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं। लेकिन ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपके नजर में कौन सी फिल्म है नंबर वन और कौन सा हीरो है नंबर वन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरदिल अजीज खेसारी इस साल की शुरुआत में लेकर आए मेहंदी लगा के रखना। फिल्म जबरदस्त हिट रही और फिल्म दर्शकों को पसंद भी आई। फिर उनकी फिल्म आई आतंकवादी जो हिट रही। फिर तो हम हैं हिंदुस्तानी और दिलवाले ने भी अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इस साल खेसारी की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म आई जिला चंपारण, जिसने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बात करते हैं दिनेश लाल निरहुआ की। तो दिनेश लाल निरहुआ की इस साल 4 फिल्में आई, सभी सुपरहिट रहीं। पहली निरहुआ हिंदुस्तानी 2 इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिर आई फिल्म जिगर, बॉक्स ऑफिस पर जिगर का बहुत अच्छा कलेक्शन रहा और फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई फिल्म सिपाही, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। और अब आ रही है उनकी फिल्म काशी अमरनाथ, जिसके ट्रेलर और गाने पहले ही धूम मचा रहे हैं। अब बारी है पवन सिंह की। अब बात करते हैं भोजपुरिया शेर पवन की। तो उनकी इस साल फिल्म आई धड़कन और सत्या ने जबरदस्त कमाई की और चैलेंज भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। फिल्म लुटेरे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म लुटेरे को छोड़ दे तो ये साल पवन सिंह का बहुत ही अच्छा रहा। उनकी आने वाली फिल्म है सैया सुपरस्टार और पवन राजा, जिसे पवन को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस बात का डिसीजन आपको ही लेना है कि इस साल कौन है सुपरस्टार, यानी कि इस साल हीरो नंबर वन कौन है और किसकी फिल्म है नंबर वन। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।